वैशाली नगर से जी मॉल के पास अवैध निर्मित चार दुकानों को नगर निगम द्वारा शुक्रवार को सीज कर दिया गया। वहीं इस कार्रवाई से खफा शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अवैध निर्माण का नगर निगम द्वारा कोई पहले नोटिस नहीं दिया गया। नगर निगम के राजस्व अधिकारी पवन मीणा ने बताया कि वैशाली नगर ईदगाह रोड पर दुकान मालिक श्रवण कुमार ने बिना नक्शा पास कराए बनाई हुई थी, जिसे निगम द्वारा 90 दिन तक अपने कब्जे में लिया और ताला लगाकर सीज कर दिया गया। साथ ही नोटिस चस्पा कर सीज की गई दुकान में कोई भी गतिविधि दुकान मालिक द्वारा ना किए जाने की राय दे दी गई। सीज कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात रहा। मतलब क्या कार्रवाई है? ईदगाह रोड वैशाली नगर में ये चार दुकानें जो अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई थी, इस संबंध में हमने संपत्ति स्वामी को पूर्व में भी वो नोटिस वगैरह जारी किए थे कि भाई जो भी आपके कोई इनके जो टाइटल के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं और जो नक्शा पास कराया तो वो हमें नगर निगम में पेश करें। तो परंतु जो संपत्ति स्वामी ने कोई भी ऐसे वो कागज़ वगैरह हमको पेश नहीं किए, तो हमने आज यहाँ पर ये दुकानों को हमने जो चार दुकानें हैं इनको हमने सीज किया और ये प्रॉपर्टी वो सुनीता वो वाइफ हो वो श्रवण कुमार के नाम से ये भी बता रहे हैं, तो हमने इनको दुकानों को सीज कर दिया है। और यदि ये 90 दिवस के अंदर ये हमें कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह पेश नहीं करते हैं तो ये ज़मीन पे जो चारों जो अवैध रूप से जो दुकानें जिनने जो बनाई गई है तो इनको हम निगम द्वारा हम इनको ध्वस्त करेंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।